हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों अगर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है तो ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, पूरी तरह से इसकी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और धूप पूरी तरह से निकली हुई है और मुझे यहाँ पे आए हुए 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई आदमी नहीं मिला है। अगर कोई मिलता है तो हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये जगह कैसी है। और इस जगह की बात करें तो ये जो जगह है दुबई से 150 किलोमीटर की दूरी पे है और इसका नाम है रासल खेमा। और रासल खेमा के अंदर ये विलेज आता है जो इसका नाम है अलहमरा हेरिटेज विलेज, जो कि पूरी तरह से बंद है, यहाँ पे अभी कोई नहीं आता जाता है। और यार दिन में ही ये जगह इतनी डरावनी लग रही है यार, तो रात में तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई अकेले यहाँ पे आ जाए, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। कोई नहीं, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये जगह जो है ना 80 साल से ज़्यादा हो गया है, 80 साल से ये जगह सुनसान वीरान पड़ा हुआ है। तो यार कोई भी जगह हो, मेरा तो यही मानना है, कोई भी जगह हो अगर 80 साल से ज़्यादा हो गया है, अगर ऐसे वीरान पड़ी हुई है ना, तो 100% जाहिर सी बात है भाई कोई ना तो कोई रहता होगा यहाँ पे, मतलब कुछ लोग तो रहते ही होंगे यहाँ पे। अगर इतने सालों से मतलब ये जगह ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई आबाद नहीं कर रहा है इस जगह को, तो ये मेरे ख्याल से तो मतलब कुछ ना कुछ तो इधर होगा ही। ऐसी जगह पे उनको रहना पसंद है जहाँ सुनसान है पूरी तरह से, कोई रहता ना हो, कोई इंसान नहीं हो। तो दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और ये सामने आप जो मस्जिद का मीनार देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। इसके बारे में ये सुना है कि यहाँ पे अपने आप अजान होती है और पता नहीं फैक्ट क्या है, लेकिन हम चलते हैं उसमें, मस्जिद के अंदर भी चलेंगे और मस्जिद के अंदर चल करके उसको भी देखेंगे कि वाकई मतलब क्या होने वाला है वहाँ पे, कुछ क्या ऐसा है, कुछ है कि नहीं भी है। और दोस्तों फाइनली मैं मस्जिद के सामने आ गया हूँ और ये आप देख सकते हैं उस टाइम के, ये मस्जिद कुछ ऐसी है। और सच में वाकई में ये तो बिल्कुल आबाद नहीं है। तो दोस्तों ये रही मस्जिद कुछ ऐसी है, लेकिन जाने से पहले अपने शूज़ को मैंने बाहर रख दिया, कांटे तो इसमें भी है, लेकिन भाई मस्जिद तो मस्जिद है, कोई भी मतलब रिलीजियस प्लेस हो उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैंने अपने शूज़ बाहर रख दिए हैं और मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं। और ये बाथरूम है इधर, ये बाथरूम वाली जगह है। और मस्जिद की कुछ हालत ऐसी है, ये आप देख सकते हैं। और चलते हैं सबसे अंदर मस्जिद में, इसके ये दरवाज़े ये देखिए, ये टूट करके ये गिर चुके हैं। और ये रही इसकी कुछ हालत ऐसी है, अभी इसके अंदर तो मतलब मस्जिद के अंदर कोई भी निशानियां नहीं है, कुछ नहीं बचा है। ये लकड़ी वगैरह, ये छत जो बने हुए हैं, ये कंक्रीट के छत तो नहीं है, ये लकड़ियों के छत बने हुए हैं यहाँ पे। और अभी कुछ नहीं है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा ऐसे ही है मस्जिद का हाल। ये मुझे कुछ यहाँ पे एक दिखी, एक छोटी सी छिपकली दिखी, ये देखिए। वैसे मुझे तो टच नहीं करना चाहिए, पता नहीं छिपकली है कि क्या है। और ये है मस्जिद का आप गुम्बद देख सकते हैं, ये गुम्बद कुछ ऐसे है मस्जिद का, चार मीनार। और इसके अंदर से ये सीढ़ी बनी हुई है जाने के लिए, ये देखिए। ये शायद इसमें कबूतर वगैरह रहते हैं ना, ये उनके अंडे और उनके पंख वगैरह गिरे हुए हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा सीढ़ी बना हुआ है। और बाप रे बाप भाई साहब, अंदर से तो कुछ आवाज आई यार, यार इसमें मैं दिखाना चाह रहा था आपको अंदर का कुछ हिस्सा, उसमें कैमरा में ऊपर ले जाने वाला था, लेकिन मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई उसमें, फिर मैं बाहर हो गया। तो फाइनली दोस्तों मैं इस कंक्लूज़न पे आया हूँ कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों क्या है कि मैं इस मस्जिद के गुंबद को मैं दिखाने वाला था, तो मतलब उसके बारे में मैं और कुछ बताने वाला था, लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो मतलब ऊपर से कुछ आवाज़ आई, तो भाई उल्टे पाँव में भागा वहाँ से,
तो अभी मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि, और देखिए वहाँ पे एक कबूतर नज़र आ रहा है मुझे, तो शायद वही कबूतर देखा होगा मुझे, देख करके डरा होगा, डर के और वो मतलब ऊपर आ गया होगा, तो शायद वही होगा, चिड़िया है उसमें, तो मैं शायद उसी से डर गया हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ और है, लेकिन मुझे बेहतर नहीं पता कि वाकई कुछ है कि क्या है उस जगह पे। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मुझे बहुत अजीब लगा वहाँ पे जा करके, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा पूरा बॉडी सहम गया। और ये पूरा वीरान है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे लोगों का पॉपुलेशन जो था वो लगभग 4000 से ऊपर था, मतलब 4000 से ऊपर लोग यहाँ पे रहते थे ना, तो जाहिर सी बात है जगह बड़ी होगी। और दोस्तों मैं इधर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो इधर मुझे कुछ देखने को मिला, मैं कुछ इधर देख पा रहा हूँ क्योंकि इधर कुछ मेंटेनेंस वगैरह का भी काम चल रहा है इधर, तो मुझे वो देखने को मिला। हम चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं चल के। भाई मुझे तो यहाँ पे कई मस्जिद दिख रही है यार, एक ये है, आप ये इसके पीछे एक देख सकते हैं, ये देखिए एक यहाँ पे है, फिर एक वहाँ पे है, देखिए एक वो है, एक यहाँ पे है। तो दोस्तों मैं 2-3 घंटे से टहल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यार अभी तक कोई मुझे नज़र नहीं आया। तो दोस्तों जैसा कि मैं आया था, जब मैं आ रहा था यहाँ पे देखने के लिए, तो ये जो टैक्सी वाले भाई थे वो मेरे को बता रहे थे कि वो जब आए थे ना तो फर्स्ट टाइम इधर ही आए थे, 2009 में आए थे यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था, और अभी जो कुछ मकान वगैरह हैं वो मेंटेनेंस में चल रहे हैं, लेकिन उस टाइम बहुत सारे पेड़ पौधे हर चीज़ थे यहाँ पे, मतलब उस टाइम और ख़तरनाक लग रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं और कुछ लोग रहने लगे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मतलब जैसा कि बताते हैं ना कि मतलब लेबर वगैरह इधर रहते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ लेबर वगैरह रहते हैं, तो उनको मतलब बहुत कम पैसे में यहाँ पे रहने को जगह मिल जाती है, मतलब बहुत कम पैसे लगते हैं यहाँ पे रहने के लिए, तो यहाँ पे वो मतलब रह लेते हैं, लेकिन डर उनको भी लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, सैलरी भी ज़्यादा नहीं होती है उनकी, तो बस वो किसी तरह अपनी ज़िंदगी मतलब काटते हैं, और अपने मुल्क में भाई पैसे बचा करके भेजते हैं लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार कोई आदमी मिल जाए मुझे, अभी तक मुझे कोई नहीं मिला यहाँ पे, कोई नहीं दिखा। ये देखिए, ये देखिए पूरा मेंटेनेंस में है, लेकिन ये बैठने बैठने की जगह भी है सारे, लेकिन अभी तक कोई दिखा नहीं। मेरे ख्याल से आज फ्राइडे है ना, तो शायद उनकी छुट्टी हो फ्राइडे में, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एरिया जो है ये मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये एरिया में काम चालू है, इसको ये लोग सही कर रहे हैं इस जगह को। तो दोस्तों फाइनली क्या है कि मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ के मतलब जो रासल खेमा का जो राजा था ना, उसके बीच में और यहाँ के ट्राइबल जो थे उनके बीच में मतलब लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग मतलब छोड़ करके, जगह छोड़ के चले गए। और ये देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये इसको सही कर रहे हैं, और यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, इसमें पानी देखता हूँ आ रहा है कि नहीं, पानी भी आ रहा है यार, मुझे तो प्यास बहुत ज़ोर से लगी है। लेकिन यार ये घर कितना अच्छा लग रहा है यार, पूरा मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, एकदम चारों तरफ से है, सर्किल में पूरी तरह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। ऐसा घर हो तो फिर मज़ा आएगा फिर तो रहने में। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ के बारे में कि मतलब यहाँ पे पहले लोग फिशिंग करते थे, तो फिर मतलब ऑयल जब खोज नहीं हुआ था गल्फ में, ऑयल का खोज नहीं हुआ था तो फिशिंग होती थी, फिर उसके बाद लोग जो है मतलब जब ऑयल की खोज हो गई तो उसके लिए लोग यहाँ से छोड़ करके मतलब सही जगह पे यानी अबू धाबी में चले गए, वहाँ पे ज़्यादा ऑयल है, तो वहाँ पे लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए, तो वहाँ रहने लगे जा करके। और एक ये घर दिखा रहा हूँ आपको यार, ये पूरे मेंटेन हुए हैं अच्छे से, तो इसको भी दिखा रहा हूँ अंदर कैसा है, कुछ पता नहीं क्या है ये देखिए,
ये मतलब वही है, पुराने घर हैं, इसको मतलब सही से मेंटेनेंस किया गया है। वाओ क्या बात है यार, क्या खूबसूरत है यार, कितने ज़बरदस्त बनाए गए। मतलब ये उस टाइम भी ये जो घर बने होंगे ना, मेरे ख्याल से ये ऐसे ही लगते होंगे। यार बहुत प्यारा घर है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख करके। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है। आपको यहाँ तक आने में आपको टैक्सी का चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप फ्री में आ सकते हैं। तो यार इस घर में रहेगा कौन यार, इधर तो कोई रहता ही नहीं है, तो इधर रहेगा कौन इस घर में, इतना छोटा छोटा घर है, इसमें कौन रहेगा, ये इतना छोटा सा घर। लेकिन इधर लोग आ जाएंगे ना, आबादी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा लगेगा यार, बहुत प्यारी जगह है, सही है पूरी तरह से। ये देखिए एक यहाँ पे कुआं नज़र आ रहा है, ओ तेरी की, इसमें तो कुछ नहीं है भाई, ये बस यहीं तक है, पानी नहीं है इसमें, शायद ये और अंदर तक होगा लेकिन इसको भर दिया गया है। ये मतलब डेवलप की तरफ बढ़ रहा है ये एरिया, और उस साइड में मतलब वो पूरी तरह से वीरान है, वो अभी तक घोस्ट हाउस है। और ये देखिए दोस्तों, ये पता नहीं ये क्या है, यहाँ पे ये कुआं की तरह यहाँ पे ये पत्थर को ऐसे सजा के रखे हैं, बस ये पत्थर ही है शायद, ऐसे ही लगा करके रखे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने मतलब घूम लिया इस जगह को, पूरी तरह से अच्छे से देख लिया, और मुझे तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, मुझे तो मतलब बहुत बुरी तरह से तो डर नहीं लगा यहाँ पे आकर के। लेकिन बहुत लोग बताते हैं कि बहुत डर लगता है यहाँ पे आकर के, मतलब जल्दी से हर कोई जाना नहीं चाहता है। लेकिन मैं आके देखा यहाँ पे मतलब सारे काम वाम चल रहे हैं, लेकिन आज लोग नहीं है, मेरे ख्याल से आज छुट्टी है। और कहीं कहीं लगा मुझे थोड़ा बहुत डर लगा, लेकिन जाहिर सी बात है डर लगेगा, कोई है नहीं यहाँ पर, पूरी तरह से ये जगह वीरान पड़ी हुई है, तो हल्का फुल्का मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आ करके घूम सकते हैं, जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फाइनली मुझे मतलब मैंने तो बहुत एंजॉय किया भाई देख करके, बहुत अच्छा लगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको भी पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।